कुछ रास्ते ऐसे हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं रिवर बेड घूमने के लिए, आएंगे निखिल भाई आराम से। दस मिनट, दस मिनट, चलो फोटो। हाँ बोरा भाई, कैसा लग रहा है? थोड़ा जोर से बोले बोरा भाई। मस्ती मस्त। हाँ मस्त मस्त, मजा आ रहा है। एक नंबर निखिल यार, मुझे इतना सुकून मिल रहा है ना यहाँ के, ऐसा लग रहा है बस यही कहीं बस रहे हैं प्रभु के लिए। पूरा माइंड जो था ना एकदम रिलैक्स है। सुन रहे हैं ना आप? हाँ माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो गया भाई का। हम जा रहे हैं घर, जा रहे हैं। हम नहीं आए। बस अभी हम जा रहे हैं यहाँ से वापस। खूब मजा मस्ती होगा यहाँ पे और कुछ चीजें रॉ में ना आए। कुछ चीजें जो है रॉ में ना आए। करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे, कुछ पिएंगे वो नहीं बताएंगे क्या पिएंगे। बाकी हमारे कैंप जो है वो आपको सामने दिख रहे हैं। सुकून ही सुकून गड्डी तो निकल ही, चड्डी ली नहीं ली बताओ। निखिल भाई के पास है चड्डी, जॉकी की। ये ठेका निकल भाई का था, मेरा नहीं। इतनी बातें करता हूँ कभी थोड़ा बहुत सीख लेता हूँ। मुझे ये पहाड़ वहाड़ सब रोड दिखाई देते हैं। देखिए जैसा कि सब लोग रोड से जा रहे हैं और मैं कांटों से आ रहा हूँ, मैं क्या खतरों का खतरा। निखिल भाई अपने खतरों के खिलाड़ी। मैं भी हूँ। हाँ Thank you.
आपको रात का व्यू एक बार सोच रहा हूँ आपको रात का व्यू दिखा दूँ। देखो बेहतरीन, ये अपनी टेबल लगी हुई है और ये अपने पहाड़ बेहतरीन। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। गाइज कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये ब्लॉग ऐसे ही जा रहा है। गौरव भाई जी कैसा लग रहा है? इधर देख के बात करो। अभी उठाऊं भैया। कैसा लग क्या जरा है? एक नंबर, ठंडी ठंडी। वो कह रहे थे दारू दारू। सुनो तो बता दो, प्लीज यार बता दे यार गौरव। क्या बताऊं, क्या कह रहे दारू दारू? नहीं निकल, क्या कह रहे? बंद आस। सुबह की शुरुआत पहली चाय के साथ और रूम कुछ पकड़ सा गया है, पकड़ सा गया है, पकड़ मैसी टाइप में हो गया है। और एक बार आपको बाहर का व्यू और दिखा देते हैं आपको। गुड मॉर्निंग हो सकता है। सबसे पहले गाड़ी का कांच विंडशील्ड साफ कर दिया है, बहुत गंदी है। रात में टेम्परेचर अच्छा खासा चला गया था और सुबह का माहौल कुछ ऐसा है। हाँ, और एक बार पूरा ओवरऑल व्यू देख लीजिए आप। सूरज देवता निकले हैं उनके कृपा करने के लिए। सबसे पहले आए थे तो अकेले थे, उसके बाद दो बाइक्स, एक कार, ये सब धीरे 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 आती गई। फिलहाल सबसे पहले कर लेते हैं ग्लास को क्लीन, क्योंकि देखना तो इसी से है और ये चेंज करना है मेरे को। एक सबसे पहले आज के लिए इंजन स्टार्ट कर लेते हैं। एसी ऑफ। एक ही बार में स्टार्ट हो गई यार, वेल डन। चलो जी हेलो, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। आज है तारीख 17/5/2024 और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं चिस्पा से, और हम लोग रुके थे नॉर्थ स्टार कैंप में। सर्विस अच्छी थी, खाना अच्छा था, नॉनवेज तो कसम था, ओवरऑल सब ठीक था। अब बस टाइम हो रहा है सुबह 8 बजे के आसपास, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बारालाचक के लिए। और बारालाचक की यहाँ से दूरी जो है लगभग 50 किलोमीटर के आसपास, एक घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। बीच में मिलेगी कम से कम 500 ट्रक की भीड़। जी हाँ, जो कल आपको दिखाया था वो अभी भी वहाँ 500 ट्रक खड़े हुए हैं बीच में। अब किसको कहाँ कैसे निकलने दे रहे वो तो आपको आगे पोस्ट पर ही पता पड़ेगा। तो बस मिलते हैं, भैया लोग भी ले जा रहे हैं ना भैया? भैया लोग भी ले जा रहे हैं और बॉम्बे से आए हुए हैं। जो जिंदा दिल पसंद है, आई लव यू मैन, यू हैव द ग्रेटेस्ट एनर्जी। क्या मजा आ रहा था, क्या मजा आ रहा। तो बस अब जर्नी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बोलो श्री अम्बे मात की जय। चलो कि यहाँ से हमारी अमेजिंग जर्नी एक बार बोलो श्री अम्बे मात की जय। जय की माता रानी, हमारा ये पूरा ट्रिप अच्छा करना, ये आशीर्वाद चाहिए आपसे। हमारे गौरव भाई तो एक कैमरे के फ्रेम में आते ही नहीं है यार, क्या बताएं। बोलो गौरव भाई श्री अम्बे मात की जय। जय। चलो समय हो गया अब यहाँ से निकलने का, और समय से याद आया अभी समय हुआ है 8:20, 9:00 भी। और चेक पोस्ट ओपन का टाइम था सुबह 8 से दोपहर के 2 बजे तक। ये चेक पोस्ट है बारालाचक के 30 किलोमीटर पहले, और अभी हम लोग जहाँ रुके हुए हैं वो जिप्सा दी नॉर्थ स्टार कैंप। आप कभी आए तो ट्राई करिए, सब कुछ अच्छा था, खाना अच्छा था, एवरीथिंग इज गुड। ठंड थोड़ी ज्यादा थी, ठंड ज्यादा थी, लेकिन ठंड -7 लग रहा है कि भाई बता दे। -2 के आसपास गया था रात में, रियल फील जो था, और पानी नहीं जमा। बाकी मैं एक ऑयल लाया था पैराशूट का, वो बाकी पूरा जम गया। तो
अभी जाते हैं अभी अगले दिन बर्रा चा की तरफ, और बीच में एक तो आपको ट्रक्स की भीड़ बहुत ज़्यादा मिलेगी, वो आपको अभी नहीं दिखाएंगे, वो आप पिछला ब्लॉग आपने देख लिया होगा। अब सीधे हम आपको मिलेंगे चेक पोस्ट के पास। चलो जब तक के लिए नज़ारे आप इन्जॉय करिए। दिख रहे हैं पूरे में ट्रक्स की लाइन है, और ये मैं 3x पे दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से तो दिखेगा भी नहीं आपको। जैसा कि मैंने बताया था 500 ट्रक्स के ऊपर ही ऊपर है, और अभी जो आने वाला है एक सबसे बढ़िया है, ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है, हिमाचल प्रदेश का लॉन्गेस्ट ब्रिज है ये। यही है वो ब्रिज हिमाचल प्रदेश का सबसे लॉन्गेस्ट। गाड़ी निकालते हुए वेरी डेंजर सिचुएशन, ना साइड मिला ना कुछ, लेकिन निकालना तो पड़ेगी। आराम से भैया, आराम से। थैंक यू भैया। आराम से भैया, आराम से। ये हमारी गाड़ी थोड़ी कल तक एक लाइन थी यहाँ पे, और अभी दो लाइन लग गई, और सामने की स्थिति आप देख सकते हो कि गाड़ी चल कहाँ रही है। एक बार बाहर से भी दिखा देता हूँ आपको, ये फोर बाई फोर है, इसको फायदा है। भैया कितने दिन से बैठे हो आप लोग? 15 दिन हो गए सर। 15 दिन से आप लोग ऐसे ही बैठे हो? हाँ जी, हाँ जी। नहीं कभी यहाँ कभी गाड़ी में। तो कब तक छोड़ेंगे वैसे आपको? 25 से जा रही है गाड़ियाँ। चलो भैया, कब रखा आपने सुना भैया, लोग 15 दिन से यहाँ बैठे हैं, और 25 तारीख के बाद इनको यहाँ से छोड़ा जाएगा, मतलब 2-4 दिन नहीं। In 200 meters, turn right to stay on National Highway 3. इंडिकेशन मिल गया, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा। निखिल भाई और गौरव भाई गए हैं अभी चेक पोस्ट पे एंट्री कराने। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, क्योंकि आगे भी गाड़ी है और पीछे भी गाड़ी है। यहाँ पे हो गई हमारी गाड़ी की एंट्री, और खुशी की लहर जो है ना, सीधा बोला ले के लिए सीधा बोल रहे हैं, यानी सिंकुला, लेकिन अपने को तो यहाँ बारह लचला होते हुए जाता था, सीधा बोल कारगिल के रास्ते बोल रहे हैं। इन्फॉर्मेशन मिली है कि बारह लचला पास अभी इन्होंने खोला नहीं है, आज इन्होंने वन वे खोला हुआ है सीधा यहाँ से पदम होते हुए, और कल जो रहेगा वहाँ से एंट्री रहेगी रिटर्न के लिए। बारला चौका भी कैंसिल हो गया, अब इसको देखेंगे अपन वापसी में कि ये कवर होता है कि नहीं होता है। फिलहाल अपन जाते हैं पदम, और पदम की जो यहाँ से दूरी है 143 किलोमीटर, तो सबसे पहले अपन यहाँ डालते हैं पदम, और सबसे पहले जो अभी पास आएगा वो आएगा श्रृंकुला पास। सडनली प्लान में चेंज हो गया, बारला चौका पास अभी नहीं खुला है, वाया पदम ले के रास्ते ओपन हुए हैं, आपकी रिटर्न में अपन देखेंगे। हमने सोचा था वापस इस रास्ते से आएंगे और जाएंगे बारह लचला वाले पास से, बाकी कल से हमें पता नहीं क्या बारह लचला, ये मेरा थर्ड अटेम्प है लेह के लिए, लेकिन चलो क्या कहा जाए। उसमें कर रहा ऑफलाइन डाटा है, लेकिन ये रास्ता से कवर नहीं कर रहा है, बाकी रास्ता टूटा हुआ है। कुछ लोग हमारे ग्रुप में भी हैं जो उधर तो कल पीस पीस खा गए, पूरी बोटी बोटी कर गए। देखो ये सो रहा है पीछे हमारा दोस्त, ए दोस्त। जो आपने शॉट देखे ना, ये वाले बहुत ही औसम आएंगे, आए होंगे, और हाथ पूरा मेरा चिल्ड हो गया, चिल्ड इतनी देर पकड़ पाया। और श्रृंकुला यहाँ से
28 किलोमीटर है, 28 किलोमीटर्स, और मैप हमारा वर्क नहीं कर रहा है, ना कोई सॉन्ग बज रहे हैं, तो कोई भी आए अपनी ऑफलाइन वाली प्लेलिस्ट लेके आए। ट्रकों की रेस लगी हुई है। सही जा रहे हैं वाले रूट, वो चीज काटो ना। वहाँ 12 ले चला यार, इन्हें जाने नहीं दिया यार, 10-10 फीट की बर्फ वहाँ पे। वापसी आएंगे वहाँ से, सब लोग यहीं से रूट ले रहे हैं, जाएंगे यहाँ से वापस वहाँ से आएंगे। वो बलि भैया देखो इतना मेहनत करके यहाँ तक आए हैं। ठीक है चलो, ठीक है भैया। पहला स्टॉप हमारा अभी यहाँ पे सिंकला की दूरी करीब करीब 25 किलोमीटर, और नज़ारे देखो आप, सब जगह खुशियाँ ही खुशियाँ सब जगह। पीछे बाइक वाले भी हैं, हमारे पूरे कैंप वाले भी हैं। हाँ मजा ही मजा आया यार। फुल एंजॉय चल रहा है भाई। ये किचन है। हाय, क्या कर रही हो? हम लोग भी यहाँ रुके हुए थे, एक गाड़ी देखो यूके की है यहाँ पे, और ये भैया लोग आए थे बॉम्बे से जैसा पहले बताया था। एक गाड़ी हमारी MP20, हमारी MP28। सब लोग यहाँ फन और चिल करते हुए, यही तो है सफरों का मजा।